YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता 22 खिलाड़ियों को जल्द ही सम्मानित किया जाएगा। इन सभी खिलाड़ियों को बिना किसी कटौती के पूरी इनामी राशि मिलेगी। इस मुद्दे पर चार बार यूटर्न ले चुकी खट्टर सरकार अब वही आकर ठहरी है जहां से शुरू हुई थी। वहीं दूसरी ओर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के 2047 पदक विजेता खिलाड़ियों की करीब 37 करोड़ रुपए के कैश अवार्ड पर ब्रेक लग गया है और खेल एवं युवा मामले विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर अशोक खेमका ने कैश अवार्ड राशि से जुड़ी फाइल पर रोक लगा दी है। और यही नहीं, उन्होंने इस पूरे मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। खेमका का कहना है कि नगद राशि तो जरूर मिलेगी लेकिन पहले जांच होगी। सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों को कैश अवार्ड मिलेगा जो सरकार की पॉलिसी में कवर होते हैं और तय नियम और शर्तों को पूरा करते हैं। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता सिर्फ 22 खिलाड़ियों को ही राजभवन में बुलाकर सम्मानित करवाने की तैयारी में है। बाकी के 6 दर्जन से ज्यादा खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों का कैश अवार्ड उनके बैंक खातों में ही जमा करवाएंगे और उन्हें राजभवन में बुलाने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। तो यहां पर हरियाणा सरकार ने दोबारा से यूटर्न ले लिया है और जिस फैसले पर शुरुआत हुई थी उसी फैसले पर हरियाणा सरकार अटकी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कुमार रमेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार रमेश, हरियाणा सरकार फिर से उसी फैसले पर आकर टिक गई है जो फैसला उनका सबसे पहले था। देखिए, सरकार खिलाड़ियों को पुरस्कार देना चाहती है लेकिन दरअसल दो चीजों के बीच कॉन्ट्राडिक्ट बात आ रहा है। कुछ हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो बात करें तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और कुछ हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉयों को सरकार पूरा जो इनामी राशि देना चाह रही थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयों को सरकार इनामी राशि में से जो राशि उनकी केंद्र सरकार ने दी वो कटौती करके देना चाहते क्योंकि उनके मन में ये था कि जो राशि मिले वो बराबर हो, ये ना हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसी के अनुसार उसको अधिक मिल जाए और स्टेट गवर्नमेंट के जो खिलाड़ी हैं उनको कम मिले। तो सरकार ने पहले ये प्लान किया था लेकिन उसके बाद जब विरोध हुआ तो सरकार दोबारा से फिर अपने पुराने पैटर्न पे आ गई है और अभी ये तैयारी चल रही है कि लगभग 22 खिलाड़ियों को सरकार जो है वहां पर बुला करके सम्मानित करेगी। और इसके अलावा सरकार की कोशिश है कि जो दूसरे खेलों में जो पुरस्कार राशि है उसमें कि अभी ये बताया जा रहा है कि नियमों के तहत दी जाएगी और नियम से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। अशोक खेमका ने विभाग में कुछ जो अर्विदाएं वाली जो फाइलें थी उनको लेकर के उन्होंने जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये डिसाइड होना चाहिए कि क्या हमारी पॉलिसी में इस प्रकार की बातें हैं कि नहीं। अगर हमारी पॉलिसी अलाउ करती है कि पैसे मिलने चाहिए तो मिलेंगे, पैसे अगर नहीं अलाउ करती है तो सरकार पॉलिसी सेट करके कभी भी कुछ नहीं करेगी। जबकि आपके सामने है कि इसको लेकर के किस तरह खिलाड़ियों ने विरोध किया और मुख्यमंत्री से लेकर के खेल मंत्री तक की किरकिरी हुई। बाद में उनको ये कहना पड़ा कि सरकार सभी खिलाड़ियों का सम्मान करती है और उनको वैसे देगी। अभी फिलहाल सरकार ने लिस्ट बना ली है और जो इनामी राशि है वो सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी और उनका सम्मान समारोह भी किया जाएगा और ये माना जा रहा है कि सम्मान समारोह राज्यपाल के आवास पर यानी राजभवन में करने की पूरी तैयारी चल रही है। जी कुमार रमेश, इससे पहले भी राशि रोक ली गई थी, नामी राशि रोक ली गई थी, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों में रोष था इसको लेकर के, लेकिन अब इस फैसले पर खिलाड़ियों का क्या रिएक्शन आया है? देखिए, अभी जो है खिलाड़ियों को आधिकारिक रूप से सूचित नहीं किया गया है और जब खिलाड़ियों को आधिकारिक रूप से सूचित किया जाएगा तो जाहिर तौर पर खिलाड़ियों का रिएक्शन आएगा। लेकिन खिलाड़ी आज भी एकजुट है, वो कहते हैं कि जो स्टेट के खिलाड़ी हैं चाहे वो सेंटर के खिलाड़ी हैं इनामी राशि उनको बराबर मिलनी चाहिए, सम्मान को बराबर मिलना चाहिए क्योंकि उनका डोमो स्टाइल है वो हरियाणा का है। वो नौकरी भले ही कहीं करते हो लेकिन रहने वाले हरियाणा के हैं। जब वो राष्ट्रमंडल खेलों में जाते हैं या दूसरे खेलों में जाते हैं तो वहां पर ये होता है कि वो भले भारत को प्रतिनिधित्व करते हो लेकिन वो पदकों की संख्या गिनी जाती है। तो ये कहा जाता है कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने जमकर दिखाया है। वहां पर ना तो रेलवे की बात होती है, ना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात होती है, ना किसी और जगह की बात होती है। तो इसलिए वो अपने हरियाणवी होने का गर्व करते हैं और इसलिए वो कहते हैं कि हरियाणवी का जो हक है वो सरकार को देना चाहिए। लेकिन अब जब ये इनका नोटिफिकेशन जाएगा, उनका इनविटेशन जाएगा और फिर पता लगेगा दरअसल खिलाड़ियों की स्थिति क्या है, क्या वो सरकार के इस फैसले का विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार रमेश तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर अभी रिएक्शन जानना बाकी होगा खिलाड़ियों का क्योंकि इससे पहले भी सरकार कई बार अपने फैसले बदल चुकी है।